वेलकम स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई लाइफ माई वे पर। आज मैं आपके लिए सीटेट के पार्ट वन के बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हूँ। तो आइए उस प्रश्नों को हम देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, यानी छात्रों को केंद्रित करने वाली शिक्षा शास्त्र की जो कल्पना की गई है उसकी विशेषता क्या है। यंत्रवत याद करना, यंत्रवत यानी किसी यंत्र की तरह रट्टा मारना। दूसरा है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, जहाँ पर वर्गीकरण करना रहेगा वो सही नहीं होता है और यंत्रवत भी सही नहीं होगा। तीसरा है केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर होना, ये भी सही नहीं है। तो आंसर होगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यह आंसर सही है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपको बताया है कि सही उत्तर चुनने के लिए आपको ये करना है कि कौन से उत्तर नहीं होंगे पहले उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। जो नहीं होंगे उन्हें आप एक तरफ छाटते जाएं, तब आपको सही उत्तर जो होंगे वो स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं, क्या है, सन्निहित हैं, एक दूसरे में सन्निहित हैं, संबंधित नहीं हैं, पूर्णतया अलग हैं या स्वतंत्र हैं। संवेदना से जुड़ी ये दोनों चीज़ें हैं, इसलिए संवेग और संज्ञान एक दूसरे में रचे बसे हुए हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ये एक नंबर। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आप पढ़ते हैं, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है। यानी संरचनावादी ढांचे में अधिगम यानी सीखना प्राथमिक रूप से सबसे पहली अवस्था में क्या होगा, तो अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, यानी देखकर समझने की प्रक्रिया पर यह केंद्रित होता है। तो इसका आंसर होगा ये दो नंबर। चौथा प्रश्न देखते हैं, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। दूसरा देखते हैं, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए। मैंने जो कहा कि पहले जो नहीं होगा उसे हमें देखना है, ये नहीं होगा दंड नहीं देना है, अनदेखा करना भी इस प्रक्रिया में नहीं आएगा। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ये दो नंबर, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पांच नंबर, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। तो यहाँ पर प्रश्न पर ध्यान दें कि बच्चों को सीखने की गतिविधियों में भाग लेने के लिए लगातार पुरस्कार और दंड देने से उनका प्रभाव क्या पड़ता है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करे, ये नहीं हो सकता है। कभी भी लगातार दंड और पुरस्कार यह प्रोत्साहित नहीं करेगा। इसका सही उत्तर होगा अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती चली जाएगी। छह नंबर प्रश्न हम देखते हैं, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, ये नहीं है, पुनरुत्पादन भी नहीं होगा। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की एक प्रक्रिया है। 7 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? पहला ऑप्शन, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। ये गलत है, ये नहीं होगा, अभाव पैदा नहीं करता है, क्योंकि उदाहरण जितने संबंधित और जो संबंधित नहीं है वो दिए जाएं तो इसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। दूसरा ऑप्शन है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। ये भी नहीं होगा। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ये सही है, ये आंसर होगा इसका, कि यह प्रोत्साहित करने का एक प्रभावशाली तरीका है। जितने ज़्यादा उदाहरण उसे दिए जाएं, उसकी समझ ज़्यादा विकसित होती है। हम 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? पहला ऑप्शन है, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। दंडित करना या अस्वीकार करना ये कभी भी नहीं होगा पेडागोजी में। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसे उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ये सही आंसर होगा। तीसरा देख लेते हैं, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर यह बच्चों में लालच पैदा करेगा और सही दिशा से उसे विमुख कर देगा, इसलिए यह ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर, यह भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा 2 नंबर। अगला हम देखते हैं 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा 3 सही है या कौन सा 2 सही है, इसे देखना है। प्रश्न फिर से एक बार देख लेते हैं कि कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। तो शारीरिक दंड होगा, ये नहीं होगा। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ये सही है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सही है। चौथा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ये भी नहीं, ये नहीं होगा। तो सही है 2 और 3, ये 4 नंबर सही होगा। आपको इस तरह से पढ़कर ध्यानपूर्वक देखना होगा कि कौन सी चीज़ें सही हैं, वरना आप गलती कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, ये नहीं होगा। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, एक व्याख्यान देकर, सिर्फ व्याख्यान देने से अवधारणाओं की समझ नहीं विकसित होगी। प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा के। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 11 नंबर, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? पहला ऑप्शन, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तीसरा है, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत। चौथा है, जन्मजात। इसका सही उत्तर होगा कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया ही व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण होती है।
बारह नंबर प्रश्न हम देखते हैं, बारह नंबर प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया। इसका सही उत्तर होगा विद्यालय एवं मीडिया। विद्यालय और मीडिया ये दोनों द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तेरह नंबर प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? पहला ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। तीसरा है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। चौथा है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। इसका सही उत्तर होगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इस समय में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। चौदह नंबर प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन देखते हैं विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। यहाँ हमें देखना है कि कौन सा नहीं है, ये दिया गया है कि जो नहीं है वो बताना है, तो ये सही है, ये इसका आंसर नहीं होगा। विकास सार्वभौमिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तीसरा देखते हैं विकास जीवन पर्यंत होता है, ये भी सही है। विकास परिवर्त्य है, ये भी सही है, यानी जो नहीं है वो बताना है, तो ये दो नंबर नहीं होता है कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये गलत है। अगला प्रश्न हम देखते हैं पंद्रह नंबर, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता, जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान। यहाँ पर यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण है, जब लड़कों और लड़कियों में किसी भी तरह का भेद किया जाए, यानी पक्षपात किया जा रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। तो यहाँ पर प्रश्न है कि बच्चों में जेंडर के प्रति जो रूढ़िवादिता और जेंडर की भूमिका की अनुरूपता जो है उसे कम करने के लिए कौन सबसे सही इसमें से उदाहरण है? तो इसमें सही होगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, और ताकि इसका समाधान बच्चे स्वयं समझ सके और उसका समाधान आपसी सहमति से निकाला जा सके, क्योंकि ये समझ को पहले उनमें विकसित करना जरूरी है, समझ के बाद ही किसी भी चीज़ का समाधान सामने आता है। सत्रह नंबर प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? इसका आंसर होगा लियो वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? पहला ऑप्शन देखते हैं मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जन्म पूर्वावधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसका उत्तर होगा ये चार नंबर। उन्नीस नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ऑप्शन पढ़ते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। बीस नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है?
पहला है आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणीयता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, संरक्षण कक्षा समावेशन। इसमें सही उत्तर होगा संरक्षण और कक्षा समावेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। ऑप्शन पढ़ते हैं, अनुबंधन, प्रबलन, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम। इसका सही उत्तर होगा स्कीमा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन 100 पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से करती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोट्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? पहला ऑप्शन है पार, दूसरा है आत्मकेंद्रित वार्ता, तीसरा है व्यक्तिगत वार्ता और चौथा है जोर से बोलना। इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिगत वार्ता। वो अपने आप से यहाँ बातें कर रही है, इसलिए यह व्यक्तिगत वार्ता होगी। अगला हम देखते हैं, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन एक मॉडलिंग, पार्ट, प्रबलन, अनुबंधन। इसका सही उत्तर होगा ये एक ढांचा का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? रूही हमेशा एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है, तो वह किस गुणों का प्रदर्शन कर रही है? अनम्य विचारक, आत्मकेंद्रित विचारक, सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक। तो वह सृजनात्मक विचारक के गुणों का प्रदर्शन कर रही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शंस पढ़ते हैं हम, विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर उनका नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ये प्राथमिक उद्देश्य आकलन का ये होना चाहिए कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और उनकी जो भ्रांतियां हैं उसको समझना। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ऑप्शन एक, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। इसका आंसर ये होगा, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 27 नंबर, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। तो पठन वैफल्य बच्चों के उदाहरण है, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन एक, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके असक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, तीसरा व्यवहारवादी सिद्धांत, चौथा असक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति। तो इसका आंसर होगा एक नंबर, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम करने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए,
इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। इसका सही उत्तर है 2 नंबर। इस अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। आखिरी प्रश्न हम देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, दूसरा तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, जहाँ हतोत्साहित की बात होगी वो नहीं होगा, तैयार नहीं करना चाहिए ये भी नहीं होगा, कभी कभी तैयार करना चाहिए ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ये थे पेडागोजी 2019 के पेपर 1 के 30 प्रश्नों के उत्तर। मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी तरह की जानकारी पूर्वक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।